है, मेरे को ये है, सारा किश है, आप बोल सकते हो, कोई चिंता नहीं। मैं यहाँ ये भागू फालतू की स्पीचें होती रहती हैं। जी 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 बहुत अवकाश है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अगर अभी जैसे सर ने कहा है, इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है कि हमारे पास किसानों के नाम आ जाएं, मैं हमारे पास अपना हमारा स्टाफ है, एक बार हमें ये पता चल जाए कि आपका आप लोकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा फील्ड ऑफिसर आपके यहाँ आ सकता है, पूरा एड्रेस दिखना ही नहीं हाँ। देना, आपका बंदा बैठ जाएगा यहाँ। सुनो हाँ जी, हम यहाँ कोई आया था आपके? अभी पहुँचने वाले हैं सर, जब आते टेबल कुर्सी लगा देंगे सर, सारे बंदे अपने अपने चीफ गेस्ट रखा देंगे, मेरे पास क्या है और जगह दिखा देंगे आप, बिल्कुल उसका जगह नाम एड्रेस और मोबाइल नंबर सारे देंगे आप। इसी कड़ी में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश सिंह चौहान है, मेरा नंबर है, आप अभी चाहे नोट भी कर सकते हैं, 9717099467। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए जनरल मैनेजर एग्रीकल्चर काम करता हूँ। 9717 मेरा नाम है डॉक्टर सुरेश सिंह चौहान, डॉक्टर सुरेश सिंह चौहान। डॉक्टर पीएचडी है, डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर पीएचडी की है एग्रीकल्चर में, इसलिए ये बंदा माहिर है अपने काम में। और ये जो सर्वेशर मिल जो आपको बासमती खिलाती है बड़े लोगों को, अमीरों को है, वो बासमती यही एक ही इंडस्ट्री में मिलती है, और यही सर जनरल मैनेजर ऑफ दैट एग्रीकल्चर नहीं करता है, और ये सारी समझ है इसको, तो ये चाहते हैं कि वो इंडस्ट्री और भी काम करना चाहती है, तो हमें उस इंडस्ट्री का उससे फायदा लेना है। आम भी तो आम नहीं बोले, आम हाँ 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 बोले नहीं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे शायद जो मैंने नहीं बोले हैं, जब आप हमें अपनी अपनी जानकारी देंगे, आप अपना ब्यौरा देंगे, आपसे अनुरोध है कि आप हमें, आप दो मिनट बैठो अपनी जगह पे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पेस्टिसाइड के बारे में सारा चीज तो बताया, इसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में आपने बताया, किस किस फ्रूट में किस किस वेजिटेबल में लगता है ये भी बताया, लेकिन बचने का यू आर द डॉक्टर, इसलिए आपने ये भी बताना है कि इस पेस्टिसाइड से बचने का और कोई तरीका है। जैसे अरुणाचल में एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि आयुर्वेदिक ढंग से भी इस पेस्टिसाइड से बचा जा सकता है और क्रॉप भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप गाइडलाइन देंगे, और एक चीज खास करके गाइडलाइन हम आपसे चाहते हैं, इसलिए कि ये हमारा जो ठंडी एरिया है, कुछ जगह है जहाँ पैडी नहीं हो सकता, कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर कि वाटर की कमी वाला पौधा तो सकता है, सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, फ्रूट जितने भी हैं, उसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से प्लांट हों और पेस्टिसाइड सबसे बचने का भी तरीका क्या है आप जी। श्रीमान आपने बहुत ही अच्छा सवाल भी किया है और मुझे सुझाव भी दिया है। देखिए सवाल ये जरूर आता है कि जब हम पेस्टिसाइड और इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक कुशल प्रबंधन की जरूरत है। कुशल प्रबंधन से मेरा मतलब है कि हम एक तो प्रजातियां ऐसी दें जिनमें कुदरती तौर पर कीड़े और बीमारियां कम आती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बासमती की बात करूं तो रणवीर बासमती आपकी ऐसी है, पकने में 160 दिन लेती है, कीड़ा और बीमारी उसमें कम लगते हैं, लेकिन एक वैरायटी है पूसा बासमती वन, पीपी वन या मूछड़ उसको बोलते हैं, हरियाणा में होती है, आप बगैर कीड़े बीमारी और पेस्टिसाइड्स उसको ग्रो ही नहीं कर सकते, तो आपकी ये देसी वैरायटी है, देसी वैरायटियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरी बात प्रोडक्शन में एक्चुअली क्या होता है, किसान की प्रोडक्शन जो है ना, प्रोडक्शन उसमें कमी होती, थोड़ा उसका क्या है? प्रोडक्शन का जब सवाल आता है तो जैसे अब हमने किसानों को अपने साथ जोड़ा है, तो उन किसानों को जो हमारे साथ जैविक खेती में आए हैं और आने चाह रहे हैं, उनको उनको हम प्रीमियम भी देते हैं क्योंकि हम आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
यूरोप में या यूएस में हम उसे बेच रहे हैं, हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, हम किसानों को ज्यादा पैसे दे सकते हैं, एक चीज तो ये। दूसरा, ऑन फार्म इनपुट ही इस चीज का इलाज है, आपके घर पर ही दवाइयां बनाई जा सकती है। हम सब जानते हैं गाय हमारे आसपास या हमारे घर में जरूर रहती है। गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, गाय अपने आप में एक पूरा एम्स है, मेडिकल है।